अंजलि अरोड़ा ने बताया एकता कपूर के शो लॉकअप में अपना सीक्रेट। बलात्कार एकता कपूर अंजलि अरोड़ा का सीक्रेट जानने के बाद क्यों कहते नजर आई कि तुम हो कायर। बलात्कार क्या कुछ कहा है अंजलि अरोड़ा ने, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वह आपको बता दूँ कि अंजलि अरोड़ा जो कि ऑलरेडी सेफ थी, लेकिन फिर भी पायल रौतगी और शायशा सिंधे के जैसा उन्होंने भी अपने सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश की। वेल, पायल और शायशा के रिवलेशन को सुनने के बाद अंजलि अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने भी एक टाइम पर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। वेल, हुआ ये था कि अंजलि अरोड़ा जो है वो 11 साल की उम्र में हुक्का पीते हुए अपने भाई के थ्रू पकड़ी गई थी, जिसके बाद उनके भाई ने उनके फादर को ये बातें बता दी थी और उनके फादर ने उनकी खूब पिटाई लगाई थी। वेल, ये हमेशा ही साउथ की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल है, और घर में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें समझाया जाता है, और एक तरीका कहें तो एक तरीका भी है कि मार पीट के किसी तरीके से बच्चे को एक सही रास्ते पर दिखाना है। वेल, इस दौरान अंजलि अरोड़ा ने फिनाइल पी लिया था और कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश की थी। वेल, जैसे ही अंजलि अरोड़ा ये बात बोलती है, वैसे ही कंगना रनौत उनके कन्वर्सेशन को रोक कर ये कहती है कि प्लीज़ आप अपना सीक्रेट मत रिवील कीजिए, क्योंकि इस तरीके से फैंस पर गलत मैसेज जा रहा है। वेल, ये तरीका अलग है कि हाँ पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं साउथ के बच्चों के साथ, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आप बता रही हैं और फिनाइल पीना एंड ऑल सुसाइड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को लेकर अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगर माइंड में भी आ रहा है तो उन चीज़ों को रोक नहीं सकते, तो हम कायर कहलाते हैं। और हमारी कायरता जब हम बच जाते हैं तब पता चलता है, लेकिन जब हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हम ख़त्म हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर कोई भी एक्सप्लेनेशन निकलते भी नहीं है, क्योंकि हम सोचने समझने के लिए ज़िंदा ही नहीं होते हैं। वेल, एकता कपूर के शो लॉकअप में ये तो मानना पड़ेगा कि एकता कपूर हर एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती हैं, चाहे वो किसी के सीक्रेट हो, चाहे वह कोई और भी चीज़ हो, लेकिन डेफिनेशन उनका बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट होता है, ताकि सामने वाले पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो 0% हो, और इफ़ेक्ट हो भी तो पॉजिटिव वे में हो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।